नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। बीएनएन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, आशा कार्यकर्ता का 15 जनवरी को होगा धरना प्रदर्शन। जिले की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना काल से ही अपनी सेवा दे रही है, लेकिन कोरोना के दौरान जो उनका बीमा एवं अन्य सुविधा प्रशासन द्वारा दिया गया था, जो आज तक जिले की आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, जिससे परेशान होकर जिले की सभी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 15 जनवरी को नगर मुख्यालय में स्थित बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अनीता जामुनपारे ने जानकारी में कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को सर्वे का काम सौंपा गया है। डाइट का सर्वे, कोस्ट का सर्वे, दस्तक अभियान, फैमिली फोलेट डिलीवरी लेके जाना है, अस्पताल नसबंदी केस लेके जाना ही है, अस्पताल टीकाकरण कराना ही है, पल्स पोलियो कराना है हमको, NRC में बच्चे को भर्ती कराना ही है, आयुष्मान कार्ड सर्वे भी आशाओं को कह रहे हैं। इतने काम अकेली आशा कैसे करेंगी? वहीं आगे की जानकारी देते हुए अनीता जामुनपारे ने बताया कि कोरोना काल में अपनी सेवा देते 3 आशा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा उनके परिवार को कोई सहायता राशि भी नहीं दी गई है, जिसको लेकर हम सभी मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीमती अनीता जामुनपारे, आप यहाँ पे आए किस मांग को लेकर? हम लोग की समस्या ये है, कोई 90 में काम करने के बाद यदि कोई आशा ख़त्म हो जाती है तो 50 लाख का बीमा और 10,000 रुपये हर महीने देंगे करके घोषित हुआ था, और हमारे बालाघाट ज़िले में 3 आशा ख़त्म हो गई है, तो उनको किसी प्रकार का 50 लाख का बीमा नहीं दिया गया है। कम से कम 5 से 6 महीना होने जा रहा है, और अभी सर्वे पे सर्वे आ रहा है। सर्वे में हमारे पीछे जैसे आयुष्मान भारत कार्ड पंचायत बॉडी करना चाहिए, तो आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ, फिर उसके बाद में कुष्ठ रोग का भी सर्वे बोल रहे हैं, फिर है तो पल्स पोलियो भी आ रहा है, टीकाकरण करना हमको ये टीका 6 और बच्चों का, और मतलब ऐसे 9 काम हमको एक साथ दे चुके हैं हमारी आशाओं को। और उसमें दिक्कत ये है कि सहयोगिनी भी घर से फ़ोन लगा के बोलती कि हेलो हमको रिपोर्ट चाहिए, NM दीदी भी बोलती है हेलो 3 बजे रिपोर्ट चाहिए, यदि हमारी आशा बीमार भी है तो रिपोर्ट देना ही है। तो हमारी आशा जब 3 ख़त्म हो गई है और आशाओं के पीछे इतना सारा काम दिए हैं, तो ये हमारे लिए मतलब हानिकारक है। कम से कम हमारी NM हमारे साथ जाए, हमारी सहयोगिनी दीदी जाए, आंगनवाड़ी दीदी जाए, आंगनवाड़ी की सहायिका जाए, और आशा कार्यकर्ता 5ों के नाम पे कम से कम उनका लेटर निकलना चाहिए कि 5ों साथ में काम करें, ताकि हम लोग को सहूलत होगा। हम अकेले इतना काम करने में बहुत परेशानी में जा रहे हैं, क्योंकि अकेले अकेले काम करने में कितनी दिक्कत होगी ये आप भी जान रहे हो। इस कारण से हम बालाघाट ज़िले में आए हैं कि 50 लाख का बीमा हमारी आशा को मिलना चाहिए, 10,000 रुपये महीने का देने बोले थे COVID-19 में, वो भी मिलना चाहिए। हम ये समस्या लेकर बालाघाट ज़िले में आए हैं, और ये शासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आशा बहनों को ये वाला फ़ायदा दिया जाए।